CUET 2022 में इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या होगा। तो चलिए हम समझते हैं इकोनॉमिक्स के सिलेबस को, जिसकी तैयारी आपको करनी है अच्छे कॉलेज पाने के लिए और अच्छा स्कोर करने के लिए CUET 2022 में। आपको मैंने CUET के बारे में इंट्रोडक्शन पूरा दे चुका हूँ, तो आप उसको पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स, जिसका पूरा नाम रखा गया यहाँ पर इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट कोड है 309, ठीक है ना। ये क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा है, ताकि क्लास ट्वेल्थ के बाद जो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जाते उसके अकॉर्डिंग है। तो आपके सिलेबस में क्या क्या रखा गया है, ठीक है ना। ये आपका जो है 45 जो है मिनट का पेपर होगा, जिसमें से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 अटेम्प्ट करने होंगे। तो सिलेबस में क्या क्या देख लें, हाँ सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स से आपके दो यूनिट है आपकी बुक का, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें आपसे पूछा जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और सेंट्रल प्रॉब्लम, जैसे तीन सेंट्रल प्रॉब्लम है। इसके अलावा यूनिट सेकेंड में कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, यानी कि उपभोक्ता व्यवहार और मांग, जिसमें उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है, उपभोक्ता व्यवहार के जो है कौन कौन से कंडीशंस है, उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी अप्रोच क्या है, एक या दो कमोडिटी के केस में किस प्रकार से कंज्यूमर इक्वेरियम होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास डिमांड मीनिंग ऑफ डिमांड, मार्केट डिमांड क्या होता है, डिमांड के डिटर्मिनेट्स क्या क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, मूवमेंट अलॉन्ग इट्स शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व होता है, लॉ ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसका मेजरमेंट होता है जिसमें परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर केवल दो ही यूनिट रखा गया है माइक्रो से, और मैक्रो से भी आपसे मैक्रो की यूनिट की बात करें तो मैक्रो की यूनिट में थर्ड यूनिट नंबर 3 टोटल है, जो इसमें है नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय से रिलेटेड, राष्ट्रीय आय क्या है इसकी मीनिंग, सर्कुलर फ्लो इनकम और राष्ट्रीय आय के कॉन्सेप्ट, जिसके राष्ट्रीय आय की अवधारणा कहते हैं GDP, GNP, NDP, NNP, मार्केट प्राइस यानी कि MP एंड FC पर। इसके अलावा नेशनल इनकम को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, वैल्यू एडेड मेथड यानी कि मूल्य वर्धित विधि, आय विधि और व्यय विधि इसमें इंक्लूड है। यूनिट नंबर 4 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और उसके कंपोनेंट्स है, प्रोपेसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेसिटी टू सेव, दैट मीन्स APC, MPC, APS, MPS, मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे ऐच्छिक बेरोजगारी और पूर्ण रोजगार की स्थिति क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, टू सेक्टर मॉडल में इनकम और एम्प्लॉयमेंट का किस तरह से डिटर्मिनेशन होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड वर्किंग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की गुणक के बारे में बताना है, किसकी क्रियाविधि के बारे में बताना है आपको, एक्सेस और डिफिशिएंट डिमांड यानी कि अतिरेक और डिफिशिएंट मतलब होता है मांग कमी, जो है न्यून कमी, न्यून मांग के बारे में बताना है, उससे जो इकोनॉमी में कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं इसके बारे में बताना है, और इस प्रॉब्लम को किस तरह से दूर कर सकते हैं, दैट इज मेजर ऑफ करेक्ट एक्सेस एंड डिफिशिएंट डिमांड, एबिलिटी ऑफ क्रेडिट, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है मनी एंड बैंकिंग, सबसे मनी की मीनिंग, इसका रेगुलेशन और उसके फंक्शन के बारे में पूछा जाएगा, सेंट्रल बैंक के बारे में इसकी मीनिंग फंक्शंस के बारे में, और कमर्शियल बैंक की मीनिंग और उसके फंक्शन के बारे में पूछा जाएगा। अच्छे से तैयार करना है और ऑलरेडी मैं आपको मैटर प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद है यूनिट नंबर सिक्स में क्या है, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, बजट किसे कहते हैं, बजट की मीनिंग और बजट के कंपोनेंट्स, ठीक है ना। इसका और कंपोनेंट्स में क्या क्या आपको पता है, ये बजट कंपोनेंट दो होते हैं, बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर्स को पूरा पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, बजट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। इसके अलावा बजट रिसिप्ट की क्लासिफिकेशन, जिसमें बजट रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट आता है, एक्सपेंडिचर के क्लासिफिकेशन, प्लान नॉन प्लान, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट, जैसे भी क्लासिफिकेशन उसका होता है, पूरा मैटर आपको तैयार करना है। इसके अलावा बजट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ बजट, जैसे बैलेंस बजट होता है, सरप्लस बजट हो गया, डिफिसिट बजट हो गया, इसकी मीनिंग और इम्प्लीफिकेशंस। उसके अलावा बजट घाटा क्या होता है, यानी कि बजट डिफिसिट, दैट में फिजिकल डिफिसिट आ गया, प्राइमरी डिफिसिट आ गया, ठीक है ना, रेवेन्यू डिफिसिट आ गया, इसकी मीनिंग इम्प्लीकेशंस के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड इसमें यूनिट नंबर 7, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट,
बैलेंसड पेमेंट में बेसिकली आपकी दो ही चीज़ें होती हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट और दूसरा होता है बैलेंसड पेमेंट। फॉरेन एक्सचेंज रेट में आपसे उसकी मीनिंग के बारे में पूछा जाएगा, फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, इसके मेरिट डिमेरिट डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है ऊपर मार्केट में, उसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या क्या, करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, और ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रिसेंट एक्सचेंज रेट इशू। अगर एक्सचेंज रेट इशू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड। इस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास से है यूनिट नंबर 8, डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस 1947-90 और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। ठीक है ना, यानी कि आपकी बुक का एक आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ इंडिपेंडेंट स्टूडेंट CBSE में क्लास 12 में है ये, जिसमें आपको पढ़ना है अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी की संध्या में भारत की स्थिति कैसी थी, इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक गोल्स फाइव ईयर में आज़ादी के बाद भारत की जो है आर्थिक स्थिति क्या थी, कौन कौन सी योजनाएँ थी, जिसमें उसके मेन फीचर्स क्या थे, प्रॉब्लम्स क्या थे, एग्रीकल्चर की पॉलिसी क्या थी, कृषि संबंधित नीतियाँ जिसमें IPR 1956, SSI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के रोल एंड इम्पोर्टेंस के बारे में, फॉरेन ट्रेड के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 9, करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें पॉवर्टी, पॉवर्टी के टाइप्स एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, मतलब मेन प्रोग्राम्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन की कौन कौन से प्रोग्राम हैं, एंड क्रिटिकल असेसमेंट और इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है ना, किस तरह से इंसानों को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, किस तरह से जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का जो मानव संसाधन विकास का जो रोल होता है, रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी कौन कौन से मेन जो इशू है, ठीक है ना, जैसे क्रेडिट मेकिंग एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कॉरपोरेट्स, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वर्कफोर्स क्या होता है, पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, और उसके प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज क्या क्या है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें उसकी मीनिंग आ गया, टाइप्स हो गए, केस स्टडी कौन कौन सी होती है, हेल्थ सेक्टर क्या क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, इन सब के बारे में बात करना है। और नेक्स्ट है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसकी मीनिंग इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट होता है, रिसोर्सेज एनवायरमेंट एंड इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको पढ़ना है। और सबसे लास्ट सेक्शन है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड के बारे में, यानी कि भारत के आसपास के राज्य और भारत के इन दोनों के बीच के विकास के बारे में आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। आ कंपेरिजन विथ नेबर्स, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, इंडिया और चाइना की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करना है। इसके इश्यूज़ जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है, पॉपुलेशन कैसा है, सेक्टोरल डेवलपमेंट कैसा है, अदर ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इंडिकेटर्स कैसे करते हैं, जैसे SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस तरह से काम करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना। ये रहा आपका कंप्लीट कोर्स जो आपको तैयारी करवाएगा CUET की, ठीक है ना। बने रहिए लगातार मेरे चैनल के साथ, और मैं आपको प्रोवाइड करूँगा आपके तैयारी के लिए स्पेशल CUET 2022 के लिए मैटर। वीडियो में बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।